रामायण हो या महाभारत, दोनों में हमने उड़ते हुए विमानों को देखा है। रावण को पुष्पक विमान पर सवार हुए सीता माता का अपहरण करते हुए भी हमने देखा है और ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी ये अजीब नहीं लगा। मुझे भी याद है बचपन में रामायण में विमान को देखकर मैं भी सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात फिट थी कि ये सारी काल्पनिक कहानियां हैं। पूरी ना सही, लेकिन इनमें बहुत सारी बातें ऐसी है जो काल्पनिक है, और काल्पनिक कहानियों में तो कुछ भी हो सकता है। विमान उड़ सकते हैं, कोई वानर बातें कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस समय हमें बचपन में महर्षि भारद्वाज के बारे में नहीं पढ़ाया गया, उनके द्वारा लिखे गए वैमानिक शास्त्र के बारे में नहीं बताया गया, और ना ही हमें बताया गया शिवकर बापूजी तलपदे के बारे में। मैं आपको इस एपिसोड में वो सारे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो ये साबित करते हैं कि रामायण में दिखाए गए विमान काल्पनिक नहीं थे। और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई भी कमेंट करने से पहले वीडियो को कृपया पूरा जरूर देखें। महर्षि भारद्वाज वैदिक युग के भारत के सबसे महान ऋषियों में से एक थे, इसलिए उन्हें महान ऋषि यानी महर्षि बुलाया जाता है। महर्षि का लिटरली मीनिंग होता है एक ऐसा विद्वान जो आम इंसानों से ऊपर उठ चुका है, एक ऐसा ज्ञानी पुरुष जो एनलाइटेंड है, जिसे दुनिया के सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। उन्होंने आयुर्वेद की फील्ड में तो काम किया था ही, साथ ही उन्होंने आयुर्वेद के कई सारे ग्रंथ लिखे थे। उसके साथ ही उन्होंने जेनेटिक्स और ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में भी स्टडी की थी, और उन्होंने उसके बारे में भी कई सारी रचनाएं करके रखी है। लेकिन उनके द्वारा लिखे गए इन सारे स्क्रिप्चर्स में से हम उसकी बात करने वाले हैं जो आज के मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा रिलेट करता है। और उनका ये स्क्रिप्चर था विमान संहिता यानी वैमानिक शास्त्र। विमान संहिता के 8 चैप्टर्स में 3000 श्लोक और 500 प्रिंसिपल की मदद से विमान बनाने की टेक्नोलॉजी को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था। इसमें उन्होंने कई सारे विमानों के डिजाइन्स भी बना कर रखी है। उन्होंने इन विमानों को चलाने के लिए जिस फ्यूल का इस्तेमाल होता था उसके बारे में भी जानकारी दी है। उनके मुताबिक इन विमानों को उड़ने के लिए सोलर एनर्जी और मर्क्यूरी जरूरी होता था। इन विमानों का उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन भी करके रखा है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विमान की कैटेगरी थी कृतिका विमान, जिसके अंदर आने वाले 3 विमानों का इस्तेमाल आज के मॉडर्न समय में किया गया है। सुंदर विमान वही विमान है जो आजकल के रॉकेट के डिजाइन जैसा रिजेंबल करता है। महर्षि भारद्वाज ने इनको डिस्क्राइब करते हुए ये कहा है कि ये सोलर एनर्जी पर चलते थे। इनमें गैस के इंजन, एक एग्जॉस्ट पाइप और एक फर्नेस भी था। रुक्म विमान ये वो विमान था जिसकी डिजाइन चुरा कर हिटलर ने नाजी बेल बनाई थी। उसे पता था कि भारतीय वेद और पुराणों में उड़ने वाले विमानों की बात की गई है, तो उसने स्पेशली भारत से वेद पुराणों को और संस्कृत की भाषाओं को अच्छे से जानने वाले स्कॉलर्स को बुलाकर एक विमान का मॉडल बनवाया था जिसको नाजी बेल कहते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी की सरकार गिर गई थी और हिटलर हजारों सैनिकों के साथ बंदी बनाया गया था। हिटलर का ये मानना था कि जर्मन रेस दुनिया की सबसे प्योर रेस है, इसलिए वो इस अपमान को सहन नहीं कर पाया और उसने अपने अपमान का बदला लेने के लिए सबसे पहले नाजी पार्टी को स्थापित किया और युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए कई सारे घातक वेपन्स को डेवलप करने के प्रोग्राम शुरू करवाए। उसे संस्कृत में पहले से तो रुचि थी ही, और वो हमारे रामायण और महाभारत के बारे में भी अच्छे से जानता था, और वो ये भी जानता था कि भारत के पुराने वैदिक स्क्रिप्चर्स में कई सारे घातक हथियारों का उल्लेख किया गया है। इसी बात पर और रिसर्च करने के लिए और उस वैदिक नॉलेज को डिकोड करने के लिए हिटलर ने भारत से दांडी भटला विश्वनाथ शास्त्री को जर्मनी बुलाया और उनसे संस्कृत में कई सारे ग्रंथों को डिकोड करवा कर उनके नॉलेज का इस्तेमाल करके उसने V1 रॉकेट जैसे कई सारे खतरनाक वेपन्स बनाए थे। हालांकि हिटलर ने वैदिक ग्रंथों के इस सारे नॉलेज का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया था, लेकिन हमारे वैदिक ग्रंथों में किस लेवल का नॉलेज छिपा था मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हिटलर ने दांडी भटला विश्वनाथ शास्त्री की मौत के बाद उनकी वाइफ को मुआवजे के तौर पर 300 रुपए की पेंशन शुरू करवाई थी, और इस बात के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि वैदिक नॉलेज का यूज सिर्फ गलत इंटेंशन से ही हुआ था। महर्षि भारद्वाज ने शकुन विमान के बारे में भी वैमानिक शास्त्र में काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी थी कि ये विमान कैसा था,
इसमें क्या कंपोनेंट्स थे और वो उड़ता कैसे था, और उनके इसी कॉन्सेप्ट पर 19वीं सदी में सन 1895 में शिवकर बापूजी तलपदे ने दुनिया का सबसे पहला अनमैंड एयरक्राफ्ट मरुत सखा बनाया था। जी हाँ, 1895 में मतलब राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले उन्होंने इस विमान को 1500 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर मुंबई चौपाटी पर उड़ाया था, और ये विमान करीब 18 मिनटों तक हवा में था। मुंबई के काफी सारे लोगों ने इस विमान की उड़ान अपनी आंखों से देखी थी, और उस वक्त के बड़ौदा के महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ और माननीय जज महादेव गोविंद रानड़े भी इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। श्री सयाजी राव गायकवाड़ ने तलपदे जी को इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग भी की थी। उस समय की किसी भी इंटरनेशनल मीडिया ने इस न्यूज को कवर नहीं किया था, सिवाय पुणे के केसरी न्यूज़पेपर ने। कहते हैं कि उस वक्त एक आम भारतीय इंसान की इतनी बड़ी खोज देखकर ब्रिटिश इतने डर गए थे कि उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ को तत्काल से इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने से और फंड देने से मना कर दिया था। शिवकर बापूजी तलपदे की इस स्टोरी में और कई सारी बातें हैं। अगर आप इस टॉपिक पर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। महर्षि भारद्वाज ने डिस्क्राइब किए हुए इन सारे प्लेन्स से जुड़े दो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इन सारे प्लेन्स में फ्यूल कौन सा यूज होता था, और ये प्लेन ग्रेविटी के खिलाफ कैसे काम करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रामायण हो चाहे महाभारत हो, उस समय के विमानों में महर्षि भारद्वाज के अनुसार मर्क्यूरी का ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता था। और आपके मन में अगर ये सवाल होगा कि क्या मर्क्यूरी यानी पारा फ्यूल के तौर पर सच में इस्तेमाल हो सकता है, तो ये बात आपको जरूर जाननी होगी कि 1964 में नासा ने जो अपना सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट सर्ट 1 भेजा था, उसमें उन्होंने आयन इंजन टेक्नोलॉजी को यूज किया था, जिसमें फ्यूल के तौर पर मर्क्यूरी का ही यूज होता है। 2015 में मुंबई में हुए द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में इंडियन पायलट ट्रेनिंग सेंटर के रिटायर्ड प्रोफेसर कैप्टन आनंद बोडास जी ने ये कहा था कि भले ही प्लेन का ऑफिशियल इन्वेंशन 1903 में हुआ था, लेकिन भारत में 7000 साल पहले ही एरोप्लेन्स की खोज हो चुकी थी, लेकिन उनके इस दावे पर उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। 2017 में अमेरिकन एरोनॉटिक्स इंजीनियर ट्रेविस टेलर ने महर्षि भारद्वाज लिखित वैमानिक शास्त्र की स्टडी की। उस स्क्रिप्चर में जो प्लेन्स के मॉडल थे उसी डिजाइन पर बेस्ड एक प्लेन का मॉडल बनाया और उस पर विंड टनल एनालिसिस किया, जिससे ये पता चल सके कि वैमानिक शास्त्र में बताए गए प्लेन्स सच में उड़ने लायक थे भी या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में इस मॉडल को 50 मील्स पर आवर की स्पीड से बहने वाली हवा के थ्रू गुजारा गया और उसका सारा डेटा कलेक्ट किया गया, और सरप्राइजिंगली इस एक्सपेरिमेंट में ये बात सामने आई कि इतनी तेज हवा में भी ये मॉडल स्टेबल था और उसने अपवर्ड मूवमेंट दिखाई, जैसे कि आज के मॉडर्न प्लेन्स की मूवमेंट टेक ऑफ के वक्त होती है। इसके बाद ट्रेविस टेलर के एक्सपेरिमेंट ने ये साबित कर दिया कि विमान का ये मॉडल एरोडायनामिकली परफेक्ट और उड़ने के लिए रेडी था। मैं यहाँ पर ट्रेविस टेलर का एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि आज भी कुछ लोग हैं जो अपने आप को वेस्टर्न लोगों से कम और पिछड़ा समझते हैं। मैं उन लोगों के लिए ये एग्जांपल दे रहा था कि देखिए, हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री के ऊपर वेस्टर्न लोगों ने भी मुहर लगा दी है, तो आप इस दावे पर विश्वास कर सकते हैं और मान सकते हैं कि भारत एक जमाने में पूरी दुनिया से कई गुना आगे था। और अगर अभी भी आपको लगता है कि रामायण में बताए गए विमान काल्पनिक थे, शिवकर बापूजी तलपदे नाम के किसी शख्स ने कभी कोई विमान बनाया ही नहीं था, तो आपको ऐसा क्यों लगता है, वो रीजन मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए ताकि हमारी ग्लोरियस हिस्ट्री दुनिया के कोने कोने तक पहुंचे। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए हेल्प भी कर सकते हैं। मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।